जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं हर दिन लचर होती जा रही हैं, जिसका खामियाजा मरीज और परिजन ही भुगत रहे हैं। मंगलवार को अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल पहुंची एक महिला पिता को स्ट्रेचर में लिए भटकती रही। हालात इतने दयनीय हैं कि अस्पताल में वार्ड बॉय होने के बावजूद भी स्ट्रेचर स्वयं महिला को धकेलना पड़ा। करीब 2 घंटे तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी पिता को उपचार नहीं मिला। बताया जाता है कि ज्योति नगर निवासी रेखा सोनी अपने पिता जगन्नाथ सोनी को शरीर में एलर्जी, छाले और बुखार होने पर अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर ने भर्ती करने को कहा था, लेकिन वार्ड में कहीं जगह नहीं मिली तो डॉक्टर ने होम क्वारंटाइन कर घर भेज दिया। बीमार पिता को आइसोलेशन वार्ड तक में जगह नहीं मिल सकी। एक तरफ अस्पताल प्रशासन कोरोना से जंग जीतने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ स्वयं प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। बेटी रेखा सोनी ने एंड टाइम्स को बताया, मैं लाई थी यहाँ पर, उनको सुबह बुखार आया तो मैं यहाँ लेके आई। मेन प्रॉब्लम तो उनकी ना ये थी, इनको ऐसे छाले हो गए, तो मैं यानी कि बुखार तो मेरी फ्रेंड ने बोला, बोले पहले यहाँ यानी कि फीवर क्लिनिक में जांच करवा लेती थी। फिर उन्होंने क्या आइसोलेशन वार्ड तो बोला, मगर यहाँ कुछ खाली नहीं, तो मैंने कहा ठीक है आप वो दे दो, फीवर की दवाई दे दो, मैं मेरे फादर को ले जाती हूँ, ना तो प्राइवेट में खाली है ना इधर खाली है। तो उन्होंने बोला, बोला आपको होम वो करवा देते हैं है ना, तो मैं ठीक है मैं घर पे केयर कर लूँगी फादर। कब से लेके घूम रही हैं आप इनको? मेरे को सुबह एक नहीं सुबह 9:30 से है, अभी कितना बजा होगा मेरे को नहीं मालूम। आपका नाम? रेखा सोनी। पापा का नाम? जगन्नाथ जी सोनी। कहाँ रहते हैं? ज्योति नगर होते हैं। शहर की स्वच्छता सवालों में घिरी है। कभी निगम स्वच्छता में नंबर वन होने का दावा करता था, जो खोखले होकर गंदगी में नंबर वन जरूर बनता दिख रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर रहवासी क्षेत्रों में गंदगी के ढेर और मवेशियों का जमावड़ा ही नजर आता है। सड़कों पर आवारा मवेशियों के झुंड के कारण पहले भी कई हादसे होने पर निगम ने कोई सबक नहीं लिया। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, वहीं चौक पड़ी नालियां बीमारी का कारण बनी हुई है। डाट की पुलिया, कॉलेज रोड, सलाना ओवरब्रिज सहित अन्य क्षेत्रों में बीच सड़क पर मवेशियों का डेरा डालना एक बार फिर हादसों को न्योता दे रहा है, लेकिन निगम इन मवेशियों को पकड़ नहीं पा रहा है। लगता है निगम कोई हादसे या जनहानि के इंतजार में है। शहर कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य तात्कालिक मसलों पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पार्टी का आधिकारिक अभिमत और जानकारी पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में कमेटी प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मृणाल पंत एवं समन्वयक राजेश रघुवंशी ने संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने किया। कार्यक्रम में आगामी दिनों में वार्ड स्तर पर गठन हेतु पर्यवेक्षकों की घोषणा भी की गई। जो खर्च 500-700 रुपए आता है उसके 5,500 वसूल कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं, विटामिन गोलियां ये वो एंटीबायोटिक कुछ भी दे रहे हो, 500 रुपए की 1,000 रुपए की दवाइयां भी नहीं, और लोग उनकी इम्यूनिटी से और भगवान भरोसे ठीक हो रहे हैं, कोई दवाई नहीं, और सरकार का कोई प्रयास नहीं है दवाइयां पहुंचाने में। आप रतलाम में बता दीजिए कितने टेस्ट होते हैं, आप बता दीजिए टेस्ट करने की क्या व्यवस्था है, और स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की, जो सामान्य बीमारी वाला आदमी है वो भी मर रहे हैं, बेचारे को हार्ट की समस्या है वो मर गया, किसी की शुगर मर गए बढ़ गई वो मर गया, लोग डरा डरा के नहीं गए, और दिखाने जाए कहां, कोई देखने वाला नहीं, डॉक्टर नहीं देखने वाला। Thank you.
रतलाम के मारकचो पुलिस थाने में खड़ा यह वह शख्स है जो कि अपनी पत्नी को बुरी तरह से प्रताड़ित कर मारता पीटता था और मारते हुए वीडियो कॉल कर पत्नी के माता पिता को बताता था। पत्नी के साथ हैवानियत करने वाले इस शख्स का नाम है राहुल सोनी, निवासी भिलवाड़ा। इसकी पत्नी है रतलाम निवासी मीनाक्षी सोनी, जो रतलाम लॉ कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी है। मीनाक्षी की शादी भिलवाड़ा निवासी राहुल के साथ हुई थी। राहुल गांजा पीने का आदी है और अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कर उसे प्रताड़ित कर मारता पीटता था। गत 22 जून को राहुल ने शादी की सालगिरह से एक दिन पहले उसने मीनाक्षी के साथ जमकर मारपीट की और वीडियो कॉल कर लाइव ससुराल वालों को दिखाया था। पति राहुल की इस हैवानियत के खिलाफ मीनाक्षी के परिजनों ने माणक चौक पुलिस थाने में शिकायत की थी। राहुल इसी मामले में समझौते के लिए रविवार को भिलवाड़ा से रतलाम आया था, तभी माणक चौक पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। हाँ, उस मामले में महिला थाने में मामला FIR दर्ज की गई थी। भीलवाड़ा में महिला का ससुराल है और मायका उसका रतलाम का था। उसका पति उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था और कई बार वीडियो बना के मारते हुए वीडियो बना के उसके भाई को भेजता भी था। उक्त मन ने मामला दर थाने पर दर्ज किया गया। इन्वेस्टिगेशन माणकचौक थाने से की जा रही थी। कल सुबह हमको सूचना मिली, मतलब अर्ली मॉर्निंग में, कि वो व्यक्ति इधर आया हुआ है शायद उसकी पत्नी को डराने के लिए या फिर बहलाने के लिए। फिर हमने उसको सूचना पर घेराबंदी कर उसको पकड़ के हमने पूछताछ करी, उन्होंने सब स्वीकार किया है, उसको हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सर क्या कारण था जो मारता पीटता था? जैसे महिला ने बताया कि वो उसके साथ मारपीट करता था, तो कई बार दहेज की मांग को लेकर अधिक उसके लेकर कई बार उसके खिलाफ कुछ अनर्गल बातें भी बोलता था वो। इन सब बातों को लेकर वो उसके घर में प्रताड़ना करता था उसके साथ में। काम उसका बैकग्राउंड कैसा? बैकग्राउंड अभी कुछ काम धाम नहीं कर रहा था वो, और नशा वगैरह भी करता था जैसे उसकी वाइफ ने बताया है। दोस्त से मिलकर घर लौट रहे एक वृद्ध व्यक्ति की हार्ट अटैक आने से वेद व्यास कॉलोनी में बीच सड़क पर ही मौत हो गई। मृतक की जेब से मोबाइल और पर्स अज्ञात बदमाश ले उड़े। मृतक का नाम जितेंद्र जोशी था। वह श्री कृष्ण टॉकीज के पीछे काटजू नगर में रहते थे। सोमवार की दोपहर को वह कालिका माता क्षेत्र में अपने मित्र से मिलकर अपने घर पैदल ही जा रहे थे, तभी वेदव्यास कॉलोनी के पास उन्हें चक्कर आए और बीच सड़क पर गिर गए। उनकी शिकायत एक युवक ने की थी, जिस पर परिजनों को सूचना देकर पुलिस ने बुलाया था। परिजनों के मुताबिक मृतक की जेब से पर्स और मोबाइल गायब था। पुलिस मर्ग कायम कर जाँच कर रही है। ये यहाँ पे मतलब एक बंटी है जिनका प्लॉट दिखाने आ रहा था वो, तो उनको यहाँ पे प्लॉट दिखा के जब आया था तो एक व्यक्ति पड़ा मिला था, तो उसने सोचा कि कोई पड़ा होगा। बाद में जब उसने के द्वारा बाद में वापस उसको हिला डुला के देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उन्होंने फिर चौकी पर सूचना दी। चौकी से सूचना प्राप्त होने पर FSL अधिकारी वगैरह को मौके पर बुलाया गया। मतलब घर उनके सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वालों ने आने के बाद उनसे पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा कहना है कि मतलब इनको पूर्व से ही हार्ट की बीमारी है, दो ब्लॉकेज है, तो संभवतः ये इसी रोड से घर से पैदल पैदल आते हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि उनकी हार्ट अटैक आने से मृत्यु होना संभावित प्रतीत हुई है। अभी कैमरे पास में लगे, उनकी डिटेल निकालने के बाद जानकारी पुख्ता दे पाएंगे। कहाँ रहते थे ये? अभी कृष्णा टॉकीज के पीछे काटजू नगर में रहते थे। काम वगैरह करते थे या नहीं? ये पहले राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी उजारी थे बताया परिवार वालों ने, अभी तो घर से इधर टहलने के लिए जाते रहते थे।